मॉर्निंग एवरीबडी, मेरा नाम मनोज पंत है। आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट। प्रेजेंटली आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस, दैट इज एन आइसक्रीम पार्लर। मुझे बचपन से स्पीच की प्रॉब्लम थी और 2001 में मुझे स्वर सुधार सोसाइटी के बारे में मालूम चला और मैंने स्वर सुधार सोसाइटी ज्वाइन करी और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टूवर्ड फ्लोर की। स्टार्टिंग में मैं एक्सरसाइज करता था, स्पीच में फ्लक्चुएशन आते थे, कभी स्पीच बहुत अच्छी जाती थी और कभी स्पीच खराब जाती थी, कभी स्पीच बहुत ही वर्स जाती थी। लेकिन समहाउ सर ने बोला, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तो एक्सरसाइज करता रहा, ग्रुप थेरेपी में आता गया और स्पीच में आराम आराम से इम्प्रूवमेंट आता गया। फिर एक बार ट्रांजिशन फॉर्म आया जब मेरे ब्लॉक आने बिल्कुल बंद हो गए। पहले मैं जब कुछ बोलना चाहता था तो मुझे माइंड में पहले से ब्लॉक आते थे कि ये मैं बोल नहीं पाऊँगा और मैं बोल भी नहीं पाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ब्लॉक आने बिल्कुल बंद हो गए। अब मैं बोलता हूँ मुझे ब्लॉक नहीं आते, स्पीच बिल्कुल स्मूथ रहती है, मेरी लाउडनेस बहुत कम थी, मेरा आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता था, सेकेंडरी फीचर बहुत ज़्यादा थे, कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे ग्रुप थेरेपी में आते आते, स्पीच थेरेपी ज्वाइन करते करते लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, स्पीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। और मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट बहुत सारे हैं, जैसे सबसे पहला है कि स्वर सुधार सोसाइटी को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ा मेमोरेबल इंसिडेंट है। मेरा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना जॉब को क्विट करके, ये भी एक मेमोरेबल इंसिडेंट है। जब मैंने अपना खुद का घर लिया था और मैं वहाँ शिफ्ट किया था, वो एक बहुत मेमोरेबल था कि मैंने अपने खुद के पैसों से अपना घर खरीद लिया है और मैं वहाँ खुद रह रहा हूँ अकेले। तो छोटे छोटे इंसिडेंट थे, नैनीताल टूर था हमारा, वो बहुत मेमोरेबल था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है, वो अच्छा तो नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है, जब मैं सेकेंड क्लास में था तो हम किराए पर रहते थे, तो हमारा जो हमारे मकान मालिक थे उससे झगड़ा हो गया था, उसने किसी को हमारे घर में भेज दिया। वो आया और बिल्कुल मेरे साथ बैठ गया, मेरे साथ बैठे हम बात कर रहे थे। तो कोई जगदीश है जिसका केस चल रहा था और उसने गवाही दी थी हमारे फेवर में, तो इसलिए वो चिड़ा हुआ था उससे, जो मालिक था उसने जगदीश को जेल करवा दी थी। तो वो हमारे पास आया, उसने बोला मेरा नाम नेगी है, मैं भी पहाड़ का हूँ और जगदीश की हेल्प करनी है, मुझे 200 रुपये चाहिए। तो जगदीश का नाम सुनकर 200 रुपये उसको दे दिए। तो फिर मम्मी को उस पर शक हुआ, उसने जैकेट्स पहन रखे थे दो, और मौसम इतना ठंडा नहीं था, गर्मी के टाइम से दो जैकेट पहन रखे, तो मेरी मम्मी को शक हो गया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू मेरे बड़े भाई को, कि तू पापा के पास जा और उनको लेकर आ, मुझे उस पर शक हो गया। फिर तो मैं उसने बोला कि मेरी मम्मी ने आप उसको मुझे पानी पीना है। तो मेरी मम्मी खड़ी हुई, फिर मेरे पैर पर शक हो रहा है मुझको आपके ऊपर, तो उसने रिवॉल्वर निकाली और मेरे ऊपर तान दी बिल्कुल। जब रिवॉल्वर निकाली तो मेरी मम्मी एकदम से एक्शन में आ गई और मेरी नानी भी एक्शन में आ गई, मम्मी भी भागी, नानी भी भागी। मम्मी ने मुझे पकड़ के अपने पीछे खींच लिया, माँ हमेशा होती बच्चे की केयर करती है, लेकिन वो फायर कर चुका था। फिर उसने फायर करी, मम्मी ने मुझे खींचा तो गोली मेरी नानी को लगी, नानी को पहली गोली हाथ पे लगी, हाथ से निकल के वो गोली दूसरे हाथ से पार भी हो गई और नानी पूरी पीली पड़ गई। मम्मी गुस्सा है, मम्मी ने उसके बाल पकड़े जिसने फायर किया था, दीवार में मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसने चाकू निकाला और मम्मी के पेट में चाकू मारने लगा, मम्मी ने फिर चाकू पे हाथ मारा और चाकू नीचे जमीन में गिर गया। तो उसने चाकू खाने को जैसे ही वो बैंड हुआ, मम्मी ने चाकू पे पैर रख लिया, उसके बाद उसने मम्मी के पैर के ऊपर पैर रख दिया, पैर दबा दिया मम्मी का, मम्मी नाखून निकल गया मुझे का। उसके बाद उसने बोला मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे वालिया ने भेजा था, मैं आपको कुछ नहीं करूँ, मुझे छोड़ दो। मम्मी जैसे उसको छोड़ा, उसे एक और फायर करा, वो नानी की छाती में लगा। उसके बाद उसने गेट खोला और वहाँ से कूद गया फर्स्ट फ्लोर से नीचे। हम लोगों ने हल्ला करा कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, काफ़ी भीड़ से इकट्ठा हो गए। उसने फिर हवा में फायर करा, सब लोग डर के पीछे पीछे हो गए, वो भाग गया। तो ये मेमोरेबल इंसिडेंट है लेकिन अच्छा नहीं है, और मेरी लाइफ के 2 साल खराब हो गए इस चक्कर में। मेरा स्कूल छूट गया था, मैं इतना डर गया था, और नानी को हॉस्पिटलाइज करा, उनका ट्रीटमेंट हुआ और उन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके दिल से गोली टच होते होते रह गई थी। तो अभी उनकी डेथ हुई है लास्ट वीक, काफ़ी लंबी लाइफ उन्होंने जी। तो ये मेमोरेबल इंसिडेंट है और लेकिन काफ़ी सैड है। तो थैंक यू वेरी मच, कट करो।